अध्यापक साहब और स्कूल के सभी अध्यापक गण और गांव से आए हुए मेहमान और मेरे माता पिता और भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज इस स्कूल की और इस देश की जो गौरव गाथा जो गाई जा रही है वो आपके नाम की गाई जा रही है। आज के 25 साल पहले की चीज़ मुझे याद आ गई है कि मैं भी इसी रो में और इसी कंडीशन में और इस पोजीशन में मैं भी बैठा रहता था और मैं इसी तरह ताली बजाता था कि कोई गांव का एक ऐसा महानुभाव स्टेज पे आए और गांव के और बच्चों को प्रोत्साहन दे, गांव के हर एक जो हमारे जो गांव में से जो आए हुए लोग हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन अपना हर काम छोड़ के 2-3 घंटे के लिए स्कूल में आ जाए करें ताकि आपका जो भविष्य है आने वाला इस भारत देश का उसको प्रोत्साहन मिले कि उनको क्या करना है और उनको कहाँ जाना है। और आज यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी है जो मैंने पहली बार सुनी है कि आज अपन इस गांव में जो फैसिलिटी नहीं है, जो सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, फिर भी जो आज अध्यापक प्रधान अध्यापक साहब ने जो आज यहाँ पर जो फायरमैन जो कहते हैं ना फायर कि जो एक देश को जागृत करने के लिए जो और पब्लिक को जो उत्साह देने का जो माहौल है वो इस स्कूल को प्रांगण में मिल रहा है। तो आपके इस गांव में चावंडिया पंचायत के जो माध्यमिक स्कूल उच्च माध्यमिक स्कूल जो है उसको जो प्रोत्साहन मिल रहा है और इस तरह से प्रधानाध्यापक और इस तरह से स्टाफ जो कमी है उसके बावजूद भी अगर बच्चों को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको सौंपे हैं और इनको आप सोना और हीरा बना के इनको आगे बढ़ाएं और भारत में इनकी वृद्धि करवाएं। धन्यवाद। एक गुजराती गाना और है सर से मैं निवेदन करता हूँ।